बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद, मैं हूँ हैदर हयात खान। कल DGISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें ये कहा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर वो बातें जब डिस्कस होती हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और ख़ास तौर पर जब हम सोचे समझे बगैर अपनी आर्म्ड फोर्सेस को लेकर क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे डीमोरलाइज होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन, वो जवान जो सरहदों पर खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए, जिनको अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी दी है, और ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, दुश्मन कैसे फ़ायदा उठाता है, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और हम लोग इसकी हसासियत को समझे बगैर अपनी मर्जी से किसी की भी फॉरवर्ड की हुई चीज़, किसी की भी एडिटेड जो चीज़ हमारे पास आती है, हम उसको आगे शेयर कर देते हैं, उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि सोचे समझे बगैर कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमारी आर्म्ड फोर्सेज की इमेज को कैसे मिलाइन कर सकती है। अभी हेली क्रैश हुआ है और उस हेली क्रैश के बाद जिस तरह सोशल मीडिया पर उसको लेकर गुफ्तगू हुई, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, उससे उस हेली क्रैश में शहीद होने वाले जवानों के ख़ानदानों, उनके ऊपर क्या असर पड़ा होगा उसका, उन्होंने कैसे वो सारी चीज़ें बेयर की होंगी। दूसरा, अभी अफगानिस्तान के अंदर एक ड्रोन अटैक हुआ, उसको लेकर पाकिस्तान के हवाले से जो गलत खबरें फैलाई गई, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली कौन करवाता कौन है, फिर यहाँ पर लोग क्यों सोचे समझे बगैर इसको ऐसे शेयर कर देते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, कैसे डीमोरलाइज होती हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे टेलीफोन पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? सर सबसे पहले तो अब ये चीज़ तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मिस इन्फॉर्मेशन जिस कदर तेज़ी से फैलती है, ख़ासतौर पर हमारा सोशल मीडिया, सोचे समझे बगैर लोग कुछ भी शेयर कर देते हैं, ये जो कुछ सेंसिटिव चीज़ें हैं खास तौर पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ जिनका ताल्लुक है, वो क्या क्या इम्पैक्ट होता है जब हम इस तरह की गलत खबरें फैलाते हैं और कुछ सोचते नहीं है कि यार इसमें कोई रियलिटी है कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बहुत ही दिलखराश वाकया था। अगर उसको ये कहा जाए कि वो नेशनल लेवल की एक कैलेमिटी थी, नेशनल लेवल का एक डिजास्टर था और पूरी कौम उस वक्त बहुत रंजीदा थी आर्म फोर्सेस के अलावा, तो आपने देखा होगा पूरी कौम का रिएक्शन ऐसा था कि हम सब लोग बहुत गमजदा और जीता थे। तो उस वक्त इखलाकी तौर पर भी ये किसी तरीके से दुरुस्त नहीं है, मजहबी तौर पर भी किसी तरीके से दुरुस्त नहीं है कि आप उस साने का उसको बनाकर बहाना कोई ऐसी बातें अंदर शामिल करना शुरू कर दें जो कि झूठ भी हो, जिसका कोई तरीके से ताल्लुक भी ना हो और जिसका उस गमजदा कौम के लिए भी एक मजीद जख्म हो और जो नवाकिन है शहदा के उनके लिए भी एक प्रॉब्लम हो। तो मेरा ख्याल DGISPR ने जो ये लफ्ज़ बेहिशी का इस्तेमाल किया है बिल्कुल मुनासिब किया है, बिल्कुल दुरुस्त किया है कि इस कदर बेहिशी, बल्कि मैं तो बेशर्मी भी कहूँगा कि आप खामोश हो जाएं, आप चुप हो जाएं, आप पता चलने दें हकाइक का। तो जैसे आपने कहा कि वो जो ड्रोन हमला हुआ उसके साथ इसका कनेक्शन जोड़ना और दूर दूर के खिलाफे मिलाना और फिर ये कहना कि पाकिस्तान ने फिर कोई अपनी जगह भेज दी या कुछ किया, तो एक तो ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम सोए हुए नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान कोई भेज दे दे और किसी को पता ही ना चले। दूसरी बात यह है कि किर्गिस्तान या नजदीक के बाद एक मुल्क है जहाँ पर असर रसूख है अमरीका का, ताजिकिस्तान एक मुल्क है जहाँ असर रसूख है अमरीका का, मकबूजा कश्मीर में हाल ही में हिंदुस्तान के साथ बड़े गहरे किस्म के उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो अगर आपने कुछ शऊर है ज्योग्राफी ने कहा और हिस्ट्री का, तो आप अगर ये बात तो अव्वल तो उनको मिलाना नहीं चाहिए और ये बात दोनों को एक ही वक्त में करने की वाली थी भी नहीं। ठीक है, वाकया पेश आए, पहले आप सोम को अलग रखें, अपने जो वाकया नेशनल कलेमिटी है उसको अलग रखें और जो इंटरनेशनल एक वाकया पेश आया उसको अलग रखें, अलग अलग उस पर बहस करें। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देख करके जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, और मैं इस बात की मुझे खुशी है कि सेक्रेटरी PTI ने इसकी सरजनिश भी की और इन लोगों से अपने आप को अलहदा भी किया। मैं तो कोई रेगुलर मेंबर नहीं हूँ PTI का, लेकिन ये है कि ये मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने नौजवानों को इस बात पर रोका। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस चीज को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। जो लोग इसे मुलव्वस हुए हैं डिस इंफॉर्मेशन में, मिस इन्फॉर्मेशन में, और आपने दुश्मनों को मौका दिया है कि वो आपकी हद्दा सराई करें और आपका मजाक उड़ाएं, उनको जरूर कोई ना कोई
कारे वाकई सर, ये आपने जो बात की कि हमने दुश्मनों को मौका दिया, यकीनी तौर पर मैं सोशल मीडिया देख रहा था, खास तौर पे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, भारतीय बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बड़े तंज कर रहे हैं। हकीकत अब सामने आ चुकी है और हमने ये देखा है कि नॉर्मली जब इस तरह की बातें होती हैं तो अभी तो चूंकि चले डिटेल्स सामने आ गई, किर्गिस्तान वाला अभी मामला थोड़ा सा सामने आ गया, लेकिन जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आई तब तक तो बहुत एक्सप्लॉइट किया गया उसको, लेकिन हकीकत के सामने आने के बाद वो चीज़ें उस तरीके से हाईलाइट ही नहीं होती, लोग उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग भी बेसिकली जो चाहते हुए या ना चाहते हुए, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, इस तरह की चीज़ों को नेचुरली ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं और बिला वजह की क्रिटिसिज्म करते हैं सोचे समझे बगैर? तो आपके ख्याल में हम लोगों को एज ए नेशन किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए ऐसे क्रूशल टाइम पे? एक जो आपने कहा वो जो हेली क्रैश था, ये कुछ छोटा वाक्य नहीं था, उसमें जो छः लोग शहीद हुए वो कुछ छोटी शहादतें नहीं थी, कोई भी शहादत छोटी नहीं होती, उसके ऊपर जिस तरह के कमेंट्स किए गए वो कैसे अफेक्ट करती हैं उनकी शहदा की फैमिलीज को? फिर ये इंटरनेशनल मामला था, बड़ा सेंसिटिव इशू था, उसके ऊपर भी हम लोग सोचे समझे बगैर हम कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने सोचे समझे बगैर कमेंट किए उनको चाहिए माफी मांगने, जब उनको पता चल गया कि और ऑप्शन कितने हैं अमरीका के पास और क्या हो सकता है, और हकैक भी ऐसे ऐसा सामने आ रहे हैं और मुख्तलि सामने आ रहे हैं। दूसरी मेरी एक इतना होगी हुकूमत से और आर्मी से भी, आर्मी ने आज ही एक साइबर कमांड बनाने का उसको इस्टेब्लिश किया है जो कि बहुत जरूरी थी मेरे ख्याल में। इस साइबर कमांड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करके सोशल मीडिया पे सबको इन्फॉर्म करे कि ये एक बॉट चल रहे हैं, ये इसकी सोर्सेज हैं, ये चीज फैलाई जा रही है, ये गलत है। और नेशनल लेवल पे हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जो कि अवेलेबल हो सारे शहरियों को, जिस पे आप कोई भी चीज कोई भी पोस्ट डालें तो वो बता दें कि ये फेक है, ओरिजिनल है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, पुरानी है, लिप सिंक्रोनाइजेशन है, फोटोशॉप है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं उनको उनके ऊपर तो उनके तो कोई आप उनको जस्टिफिकेशन दे नहीं सकते, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी सतह पर भी इस काम को आसान बनाने के लिए कोई ऐसे होने चाहिए प्रोग्राम जिनको लोग डाउनलोड कर सकें अपने फोन में और वो पता लगाया जा सके कि ये मामला कितना दुरुस्त या गैर दुरुस्त है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है कि ये मौका ऐसा नहीं था, मतलब ये कि आगे पीछे ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि लोगों के जमीर किधर गए, ये मौका ऐसा नहीं था जहाँ पर कोई इस किस्म की बातें फैलाई जाती या इनको रीइंफोर्स किया जाता या उनके ऊपर कमेंट किए जाते, बटन देते, इनको चुप करवाते, इनकी सरजनिश करते, और किया भी है कुछ लोगों ने, मैंने भी किया और लोगों ने भी किया है कि ये जब तक आपको हकायक का पता ना हो इस चीज की बात नहीं करनी चाहिए, और फिर उसको बहाना बनाकर आपने फोर्सेस के खिलाफ जो है ना ताने बाने जो बुने वो तो नहायत ही अफसोस में आकर, जैसे आपने कहा सिर्फ दुश्मनों को इससे फायदा हुआ है। सर वैसे हम ये देख रहे हैं कि माजी करीब में, यकीनी तौर पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो फेक अकाउंट्स के ज़रिए पाकिस्तानियों के नामों के साथ अकाउंट्स चला रहे हैं, और कौन कर रहा है वो सबको पता है, मैं क्या उसको डिस्कस करूँ। लेकिन मैं उसके बावजूद ये देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जब बात होती है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर क्रिटिसिज्म की तो लोग सोचते नहीं हैं और कमेंट कर देते हैं उसके ऊपर। आप थोड़ा सा अगर उन व्यूअर्स के लिए बता दें कि ये चीज़ें किस कदर सेंसिटिव होती हैं, हमारी छोटी सी ऐसा हमारा छोटा सा ऐसा कमेंट जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, हमें पता है बहुत से लोग तो वो हैं जिनको बुनियादी तौर पे इश्यूज का ही पता नहीं होता, वो कैसे डैमेज कर कैसे करते हैं चीज़ों को। और फिर जब आज तो चूंकि सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया पर जब इस तरह की गलत खबरें वो जो है वो सामने आती हैं, जो एडिटेड फोटोशॉप पिक्चर सामने आती हैं, तो वो यकीनी तौर पर आप चूंकि आर्म फोर्सेज में आप बड़े हायर रैंक्स तक आप गए हैं, आप इन चीज़ों को बड़ा कीनली देखते भी हैं, आपने यकीनी तौर पर अपनी सर्विस के अंदर भी सारी चीज़ें देखी होंगी, ऑब्जर्व की होंगी, तो उसका इम्पैक्ट एज एन आर्मी मैन फौजियों के ऊपर क्या पड़ता है? लेकिन वो दस्तरी औकात नहीं है ना, जब बाहर वो आते हैं अपने घरों में तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल फोन उनके पास अदरवाइज होते हैं।
तो ये जो भी चीज बात की जाती है ये ना समझा जाए कि वो फौज तक नहीं पहुंच रही या फौजियों के कानों में नहीं जा रही या उनके आंखें देख नहीं रही, तो उन पर जो इम्पैक्ट होता है भी आप देखिए कि वो अपना राशन उन्होंने दे दिया सैलाब दुर्गत को, सुबह से शाम तक उनकी मदद करने में लगे हुए हैं और वहां पर उनको ऐसी खबरें मिल रही हो जिनका अभी आप जिक्र कर रहे हैं। तो फौज को किसी भी तरीके से कमजोर करना अपने बाजू और पांव काटने के मुतरादिक है। मैं तो ये कहा करता हूँ कि अगर आपके दिल में कोई फौज के खिलाफ करवाहट है भी या फौज की कोई चीज आपको पसंद नहीं भी है तो आपको मौका माल देखना चाहिए कब उसका इजहार करना है, कब उसका इजहार नहीं करना है, किस तरीके से इजहार करना है, किस फोरम पे इजहार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जहां जहां फौजें बैरूनी हमलों का मुकाबला नहीं कर सकी फिर उन कौमों के साथ क्या हुआ। मैं आपको कितनी बातें गिनवा दूं, मैं आपको लीबिया बता दूं, मैं आपको नाइजीरिया बता दूं, मैं आपको यमन बता दूं, मैं आपको सीरिया बता दूं, अफगानिस्तान आपके सामने था और जितनी और मामला हुए। तो खुदारा हमारा मुल्क इस वक्त जिस इंतजार से गुजर रहा है इसको कम करने की जरूरत है और खासकर जो पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ है उसके अंदर फौज को घसीटने की कतन कोई जरूरत नहीं है। फौज को अपना काम करने दें, अगर वो मावलत करती है हुकूमत की किसी भी तरीके से तो वो हुकूमत का हक बनता है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऐसी मावलत करती है फौज जिसमें कौम को फायदा पहुंचता है तो वो उसमें से फिर कीड़े निकालना कि ये उनका हक नहीं बनता था, ये बात करना ये बनता था, ये सारी चीजें जरा ध्यान में रखें। फौज तो आपके मुल्क में होगी, अगर अपनी नहीं होगी तो खुदा न खासा दुश्मन की होगी। अगर ये बात आपके जहन में बैठ जाए तो आप कभी भी फौज के खिलाफ ऐसी बात नहीं करेंगे और ऐसे नाजुक मौके पर तो बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका आपने प्रोग्राम के लिए खुशी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन लेफ्टिनेंट जनरल टैडिम खालिद दोदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जो जनरल साहब बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है हमारे फौजियों की फैमिलीज में। ये जो हेली क्रैश था ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी, ये बहुत बड़ा वाकया था। 6 शहादतें हुई हैं, 6 खानदानों के वो लोग थे जो इस वाकये के अंदर शहीद हुए हैं और वो सैलाब ज़दगान के हवाले से वहाँ पर वो देखने जा रहे थे कि क्या हालात हैं वहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ों पर खुदारा सोचे समझे बगैर और बगैर किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के ऐसे ही कमेंट ना कर दिया करें। और ये फौज यार ये किसी दुश्मन की फौज नहीं, ये आपकी फौज है, ये आपके लिए सरहदों पर खड़े हैं। आप जरा एक दिन जाकर देखें सरहद के करीब और उस चीज़ को महसूस करें कि जब आप दुश्मन की बंदूक की रेंज में बैठे हुए हैं तो क्या उस वक्त जज्बात क्या होते हैं। तो खुदारा इस तरह फौज के खिलाफ खासतौर पर कुछ भी कमेंट करने से पहले 100 मरतबा सोचें और जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ जाती फजूल में उसके ऊपर कमेंट ना करें।